सुल्तानपुर में कार और बुलेट बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का हाल जानने पहुंचे थे पत्रकार। पत्रकारों से बदतमीजी की गई, कैमरे में कैद हुई जिला अस्पताल के इमरजेंसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर अमित कौशिक की पत्रकारों के प्रति रवैये का संवेदनहीन मामला। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भटमई चौकी के निकट टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था हादसा। सर बोल रहे हैं, बोल दीजिए। जबरदस्ती आप करेंगे क्या? नहीं, मैं जो पेशेंट जो पेशेंट जो पेशेंट जो पेशेंट अभी आए थे, यू आर रियली डिस्टर्बिंग मी। जो सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुराना व बिकवाजीतपुर विकासखंड भदैया में COVID-19 टीकाकरण केंद्र का किया गया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित किया कि COVID-19 से संबंधित टीकाकरण के सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सुल्तानपुर में आई रेड परियोजना की लाइव एंट्री शुरू। सड़क हादसे कम करने की तैयारी। इस परियोजना के तहत संबंधित थाना क्षेत्रों में होने वाली छोटी से छोटी सड़क दुर्घटना का डाटा ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर फीड किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप में पुलिस विभाग के साथ अन्य 3 विभाग, परिवहन, चिकित्सा विभाग और सड़क विभाग को शामिल किया गया है। सुल्तानपुर में 2 दिन पहले थाने के लॉकअप में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आज कुड़वार थाने में मृतक बंदी की मां की तहरीर पर तत्कालीन SO दरोगा और सिपाही के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों ही आरोपित पुलिसकर्मियों को कप्तान ने घटना के फौरन बाद निलंबित कर दिया था। वहीं करीब 40 घंटे बाद मृतक के शव को दफनाया गया, तब पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अमेठी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। जनपद वासियों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील भी की है। अमेठी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक। आगामी वृहद वृक्षारोपण की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% पूर्ण कर गड्ढे खुदाई का कार्य करने के निर्देश जारी हुए हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना में पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिंगलाज युवा टीम द्वारा दादरा स्थित हिंगलाज मंदिर प्रांगण व अन्य स्थलों पर सैकड़ों पेड़ों को वृक्षारोपण कर लोगों में पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। हिंगलाज युवा टीम ने हर वर्ष पेड़ों को लगाकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर सुल्तानपुर में किया गया वृक्षारोपण। जनपद न्यायाधीश ने सरकार द्वारा किए जा रहे टीकाकरण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वैक्सीन अवश्य लगाने की अपील की। सुल्तानपुर में 2 महीने पहले कूड़ेभार थाना क्षेत्र में हुई 3 लूट की घटनाओं को पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल दोनों बदमाशों के पास से 2 तमंचा व 2 कारतूस बरामद कर उन लोगों को जेल भेजा गया है। घटना में शामिल और 3 आरोपियों की अभी पुलिस को तलाश है। आपको बता दें कि बीती 10 मार्च को मृतक फौजी की पत्नी कूड़ेभार कस्बे से बैंक से रुपया निकालकर घर जाते समय 25,000 की लूट हुई थी। 8 अप्रैल को गुप्तारगंज में शिक्षिका आशा रानी वर्मा के साथ सोने की चैन व झाला लूटा गया था। और तीसरी घटना थी सेमरी रोड पर स्थित पूजा ब्यूटी पार्लर में घुसकर महिला से सोने की चैन की लूट की वारदात थी, जिसमें ये अपराधी बदमाश पकड़े गए हैं। अमेठी जनपद के कोतवाली मोहनगंज पुलिस द्वारा मोहनगंज चौराहे पर मास्क, हेलमेट और गाड़ी के जरूरी कागजात के लिए चेकिंग लगाई गई। आम जनमानस को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर पूछताछ कर मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई। अमेठी जिला मुख्यालय के समाजवादी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत चुनाव में हुई हार जीत की समीक्षा भी की गई। मिशन 2022 की सफलता को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले में मिली ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। SFI सुल्तानपुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुल्तानपुर जिले के कोने कोने में पौधारोपण करने का प्लान किया है और पौधारोपण किया भी। बंधुआ कला थाने, द्वारकागंज चौकी, जयसिंहपुर थाना, गोसाईगंज थाना,
आदि में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उपस्थित SFI के जिला मंत्री सौरभ मिश्रा कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। सुल्तानपुर में एक पहल फाउंडेशन के द्वारा आज पर्यावरण दिवस के दिन पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के द्वारा 101 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही संस्था के लोगों ने पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया। अमेठी के जायस नगरपालिका में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर मिनी वोकलैंड का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर ने कहा कि नगर में जलभराव की समस्या होती रहती थी, इसलिए नए वोकलैंड मशीन मंगवाकर नगर की सफाई कराई जाएगी और आने वाले बारिश को देखते हुए तैयारी बना ली गई है। अमेठी में समाजवादी पार्टी का सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किया गया। तिलोई तहसील के सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए उपस्थित हुए, जिसमें यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के शमशाद जायसी और जैनुल हसन आदि उपस्थित थे। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।